रहीम अस्सलाम वालेकुम है यूट्यूब व्यूवर्स। आज मैं खाने में बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ियाँ, जिसमें आलू, मटर, गाजर, गोभी है। इनको मैंने इस शेप में, आलूओं को मैंने इस शेप में कटिंग किया है और गाजरों को इस शेप में मैंने कटिंग की है। और इसमें जो मैं स्पाइसेस डालूँगी वो सब्ज़ मिर्चें हैं और टमाटर है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार किया हुआ है, और दो अदद प्याज हैं जो मैं इसमें डालूंगी। अभी आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, फुल वीडियो वॉच करनी है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्याज में आप फ्राई कर रही हूँ, प्याज को जब हल्का सा ब्राउन फ्राई कर लूँगी तो फिर मैं सारे बेसिक मसाले डाल के इसको फ्राई करूँगी, और जो मैंने स्पाइसेस डालने हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे स्पाइसेस, जिसमें एक चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई है, एक चम्मच नमक है, हाफ चम्मच जो है वो हल्दी है, थोड़ा सा ज़ीरा कुटा हुआ है, भुना हुआ कुटा हुआ, और थोड़ा सा गरम मसाला है जो मिक्स सब्जियों के मसाले में जाएगा। फ्लेम को नॉर्मल टू हाई रखना है। प्याज ने कलर चेंज कर दिया है, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तब तक उसको फ्राई करूँगी जब तक उसका अदरक लहसुन की खुशबू ख़त्म ना हो जाए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। पेस्ट जो है वो फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डालूंगी, और जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होते तब तक उनको इस घी में फ्राई करूंगी। ये एक अदर टमाटर है और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दूंगी। मसाले भी फ्राई हो गए, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें बेसिक मसाले डालूंगी। ये हमारे बेसिक स्पाइसेस हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा। इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, साथ साथ हल्का सा पानी लगा के, तो इन स्पाइसेस को भी साथ अच्छी तरह फ्राई करूँगी। मेरा मसाला भुन गया है, मसाले ने घी छोड़ दिया है, अब मैं इसमें सब्जियाँ डाल के अच्छी तरह फ्राई करूँगी, और जो स्पाइसेस हैं बेसिक, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर है, आपने उसको अपने तो जायके के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उस हिसाब से डालें। ज़्यादा नमक जो आपको पसंद हो, ज़्यादा या कम, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। मसाला मेरा फ्राई हो गया है, घी इसमें छोड़ दिया है मसाले ने, अब मैं इसमें बेसिक सब्ज़ियाँ डालूँगी। ये आलू, मटर, गाजर, गोभी है, ये एक पाव आलू है, एक पाव गाजर है, एक पाव टमाटर है, और आधा पाव जो है वो गोभी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, देखिए हर चीज़ का अपना कलर है, रेड कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, और मसाले का रेड कलर, अल्लाह की शान है, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया। अब इसको मैं 5-10 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। सब्ज़ी मैंने फ्राई कर ली है, इसको अब मैं 5-10 मिनट के दम पे लगाऊंगी, और बाद में चपाती बना के फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं करनी, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है, और बने रहना है मेरे साथ, मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है। व्यूअर्स, मेरा खाना रेडी है,
खाना बन गया है और खाने ने घी छोड़ दिया है। अब मैं आपको धनिया की गार्निश करके फाइनल लुक दिखाऊंगी। तब तक मेरी वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो फुल देखनी है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।